नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का दो पाठ अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उससे आगे आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तो जैसे इन्होंने दिखाया है, क्या है? तृतीयः पाठः। तृतीयः मतलब तीसरा, पाठः मतलब पाठ। तो तृतीयः पाठः का मतलब तीसरा पाठ। पाठ का मतलब क्या हुआ? पाठ का नाम क्या है हमारे? शब्द परिचय। हमने अभी तक शब्द परिचय 1, शब्द परिचय 2 और शब्द परिचय ये तीसरा है हमारा। अर्थात इनको 1, 2, 3 में इनको लिंग के अनुसार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन सभी शब्दों को हम अच्छे से जान सके और उनका परिचय कैसे कराया जाता है यह जान सके, इसके अनुसार ही इनको बांटा गया है। तो हमने शब्द परिचय जो पहला पाठ था हमारा, उसमें हमने पुल्लिंग शब्दों का कैसे परिचय कराना है, पुल्लिंग शब्दों को कैसे जानना है ये हमने देखा था। हमारा दूसरा पाठ था शब्द परिचय, उसमें हमने स्त्रीलिंग के शब्दों को कैसे प्रयोग करते हैं, उनका कैसे परिचय कराते हैं ये देखा था। अब हमारा शब्द परिचय तीसरा पाठ है, जिसका कि हमने जो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, उसके अलावा जो नपुंसक लिंग शब्द हैं, उन शब्दों का परिचय कैसे करना है या वो शब्द कैसे होते हैं वो हम जान जाए, इसके लिए हमें शब्द परिचय पाठ तीसरे पाठ को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तो पहले पैराग्राफ, जितना पैराग्राफ हमें पढ़ना है, जिसका अर्थ करना है, उसको हम पहले पढ़ते हैं। क्या है? एतत् किम्, एतत् किम्, एतत् खनित्रम् अस्ति, एतत् खनित्रम् अस्ति, श्रमिका खनित्रम् चालयति, श्रमिका खनित्रम् चालयति। और उसका अर्थ देखते हैं, एतत् किम्। अभी तक बच्चों हमने एषः, एषा, तो जो एषः का भी मतलब यह था, एषा का मतलब भी यह था, और एतत्, एतत् का मतलब भी क्या है? एतत् का मतलब भी यह है, एतत् का मतलब भी क्या है? यह। एतत्, एतत् का मतलब यह। तो आपने देखा कि जब हम पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं यह, तो एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसक लिंग में एतत्। तो एतत् मतलब यह, किम, किम का मतलब क्या, तो यह क्या है। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है, तो किम मतलब क्या है, पूरा लिख देते हैं हम। उसका उत्तर दिया उन्होंने, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, यह प्रिंट मिस्टेक हो सकता, अशुद्धि है, यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है, क्योंकि आपने प्रश्न यहाँ पर किया हुआ है। तो इन्होंने आगे कहा, एतत् खनित्रम् अस्ति, एतत् मतलब यह खनित्रम्। खनित्रम् का मतलब क्या हुआ? खनित्रम् कहते हैं कुदाल को, फावड़े को, जिससे हम खोदते हैं उसको हम खनित्रम् कहते हैं, कस्सी को। तो खनित्रम् का मतलब हुआ कुदाल, खनित्रम् का मतलब क्या हुआ? कुदाल। तो एतत् खनित्रम् अस्ति, अस्ति का मतलब क्या हुआ? है, अस्ति का मतलब है। तो एतत् मतलब यह, खनित्रम् मतलब कुदाल, अस्ति मतलब यह है, तो यह कुदाल है। आगे बोलते हैं, श्रमिका खनित्रम् चालयति, श्रमिका जो श्रमिक है, जो खेत खोदने वाले हैं, जो काम करने वाला वर्ग है, उसको श्रमिक वर्ग कहते हैं। तो श्रमिका काम करने वाली खनित्रम्, खनित्रम् मतलब कुदाल, चालयति, चालयति मतलब चला रही है, चालयति मतलब चला रही है। तो आप तीनों का, तीनों लाइनों का अर्थ समझ लिया, एतत् किम्, यह क्या है, एतत् खनित्रम् अस्ति, यह कुदाल है, श्रमिका खनित्रम् चालयति, जो श्रमिका है, जो काम करने वाली मजदूरनी है या फिर जो किसान है, वह खनित्रम्
कुदाल चालयती चला रही है। आगे हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ है तत् किम्, तत् विश्राम गृहम् अस्ति, किम् अत्र भित्तिकम् अस्ति, अत्र भित्तिकम् नास्ति। द्वारा से ध्यान से सुनिए, तत् किम्, तत् विश्राम गृहम् अस्ति, किम् अत्र भित्तिकम् अस्ति, अत्र भित्तिकम् नास्ति। तो एतत् मतलब यह, तो तत् मतलब वह, तत् मतलब वह, तो वह किम मतलब आपने पहले ही पढ़ा है, वह क्या है, किम मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा तत् विश्राम गृहम अस्ति, शब्द बहुत सरल है, तत् मतलब आपने जान लिया है वह, विश्राम गृहम, विश्राम गृहम का मतलब आराम करने का स्थान, जहां पर हम विश्राम करते हैं थक के, काम करके जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हम यहाँ पर जाके आराम से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसको विश्राम गृहम, विश्राम आलय कहते हैं। तो विश्राम गृहम मतलब विश्राम आलय। तो तत् विश्राम गृहम अस्ति है। किम् अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या जो हम ये दिखाई दे रहे हैं ये दीवारें हैं। तो उनको पूछे तो उन्होंने कहा किम, किम मतलब क्या। यहां पर एक नया शब्द आया है अत्र, अत्र मतलब यहां, अत्र मतलब यहां, तो अत्र का मतलब यहां है। तो हम ये पूछ सकते हैं वहां का क्या होगा, तो संस्कृत में वहां को तत्र कहते हैं, अत्र यहां, तत्र वहां। तो किम, किम मतलब क्या, अत्र यहां, भित्तिकम, भित्तिकम मतलब दीवार, भित्तिकम का मतलब क्या हुआ दीवार, अस्ति, अस्ति मतलब है। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया है किम क्या, अत्र मतलब यहां, भित्तिकम दीवार, अस्ति है, क्या यहां दीवार दिखाई दे रही है, क्या यहां पर दीवार है। तो उन्होंने कहा अत्र, अत्र का मतलब क्या होता है यहां, भित्तिकम दीवार, ना मतलब नहीं, ना का मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, क्योंकि हमें वहां पर दीवार दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या मतलब हुआ कि अत्र यहां पर भित्तिकम दीवार ना नहीं अस्ति है, यहां पर कोई दीवार नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन चारों लाइनों का। आगे बढ़ते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं उसको। एते के, एते के, तो उसका वो दिया एते अंगुलीय के स्तः, एते अंगुलीय के स्तः, सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति। तो बच्चों क्या हुआ, एते, एते मतलब होता है ये दोनों, एतत का मतलब आपने पढ़ा यह, क्योंकि वहां पर एक वचन का प्रयोग हो रहा था एतत किम, यह क्या है, तो यहां पर दो वचन का प्रयोग है, तो एतत का द्विवचन क्या होगा एते। आपने देखा कि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां पर जो ये बनाने वाला है उसके यहाँ पर दो अंगूठियां रखी हुई है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दो अंगूठियों के लिए इन्होंने दो वचन का, द्विवचन का प्रयोग करके प्रश्न किया है। एते, एते मतलब ये दोनों, के मतलब किम, जैसे वहां पर हमने किम का प्रयोग एक वचन के लिए किया था, ऐसे ही यहां पर हमने किम का भी द्विवचन का प्रयोग किया है। तो किम के कानी, किम एक वचन, के द्विवचन, कानी बहुवचन, तो के मतलब क्या है, तो एतत मतलब ये दोनों, के मतलब क्या है। तो
एत एते के ये दोनों क्या हैं? तो इन्होंने कहा एते एते मतलब फिर वही दोबारा प्रयोग किया है, ये दोनों अंगुली के मतलब अंगूठी, ये दोनों अंगूठी इस्तः मतलब इस्तः भी अस्ति इस्तः संति। तो यहाँ पर जितने भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो सभी क्या है, द्विवचन शब्द ही प्रयोग किए जा रहे हैं। इस्तः मतलब है, यह दोनों अंगूठी है, उसके हाथ में दो अंगूठी, एक उसके हाथ में है और एक पास में रखी हुई है। तो एते के ये दोनों क्या है, तो एते अंगुलीय के स्तः यह दोनों अंगूठी हैं। आगे बोला सुवर्णकारः कहते हैं सुनार को, ज्वेलर्स को। सुनार को सुवर्णकारः, जो सोने का काम करता है उसको सुवर्णकारः। तो सोने का काम करने वाले जो सुनार है वो अंगुलीय के रचयतः अंगूठी, अंगुलीय के मतलब अंगूठी, रचयति रचयति मतलब बना रहा है, रचयति मतलब बना रहा है। तो सुवर्णकार क्या कर रहा है, तो सुवर्णकार अंगूठी बना रहा है। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों को वो जान लिया है, समझ लिया है। पहले क्या है, एते के ये दोनों क्या है, एते अंगुलीय के स्तः ये दोनों अंगूठी है, और सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति जो सुनार है वह क्या अंगूठी, रचयति मतलब बना रहा है। तो आज इतना ही करते हैं, अगले उसमें हम जो हमारा शेष बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।